हजारों करोड़ रुपए के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपी आईपीएस राजीव कुमार की तलाश में सीबीआई की मैराथन छापेमारी जारी है। कुमार फिलहाल राज्य सीआईडी के एडीजी हैं। शनिवार को सीबीआई की एक टीम ने भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में छापेमारी की है। एजेंसी सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। बताया गया है कि भवानी भवन में स्थित राजीव कुमार के व्यक्तिगत सहायक शुभम बनर्जी के आवास की तलाशी जांच टीम ने ली है। इस टीम में सीबीआई के 5 अधिकारी शामिल थे। शुभम की तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेजों को सीबीआई की टीम ने खंगाला है। हालांकि करीब आधे घंटे की इस तलाशी के बाद जांच टीम वापस चली गई। इसके बाद सीबीआई की एक टीम दक्षिण 24 परगना के पुजाली स्थित एक निजी अस्पताल पहुंची। यहां भी रिसेप्शन सह कई जगहों को खंगाला गया। हालांकि सीबीआई की दूसरी टीम ने कोलकाता व उपनगरीय क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में निगरानी रखी है। कुमार की गिरफ्तारी के लिए सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जांच एजेंसी के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय में कंट्रोल रूम खोला गया है। गौर हो कि राजीव कुमार की तलाश में सीबीआई की टीम बंगाल व बिहार के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार रात उनके यूपी के पैतृक आवास पर भी जांच टीम ने औचक छापेमारी की थी। उसके पहले कोलकाता स्थित कुमार के आवास पर जाकर एजेंसी के अधिकारियों ने उनकी पत्नी संचिता कुमार से भी करीब 40 मिनट तक पूछताछ की थी। राजीव कुमार कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं।